आज ना मेरे पास में कोई सब्जी नहीं बची हुई थी और रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी को पसंद आ जाए और सभी खा लें, खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं करें। तो मेरे पास रखे हुए थे उबले हुए आलू, तो सोचा कि क्यों ना इसी का कुछ बना लिया जाए। तो मैंने बनाई आज ये आलू और प्याज की कढ़ी, जो कि इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई थी और बनाने में भी इतनी ज़्यादा आसान थी, फटाफट बन के तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार ये आलू और प्याज की कढ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो आलू और प्याज की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये उबले हुए चार आलू ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आलू ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, छोटे साइज़ के ही आलू हैं, तो इसलिए मैंने चार लिए हैं। आलू को छील लेंगे और उसके बाद में इनको रफली काट लेंगे। आप चाहे तो आलू को रफली मैश भी कर सकते हैं और चार की जगह पर दो बड़ी साइज के आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी मिक्सी जार में 1.5 कप जितना खट्टा दही ले लेंगे। खट्टे दही से कढ़ी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार होगी। 3 कप जितना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, बाकी का पानी बाद में ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम नमक ऐड करेंगे, बाकी का बाद में ऐड करेंगे। 3 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी में इसे थोड़ी सी देर के लिए अच्छे से घुमा लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़िया सा इसका घोल बन के तैयार हो गया है। इसे साइड में रख देंगे और कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म कर देंगे। जब धुआं उठने लग जाए, गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, कम कर देंगे, और उसके बाद में हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे, जैसे 6 से 7 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, 1/4 छोटी चम्मच धनिया के बीज, 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटी चम्मच राई और 1/4 छोटी चम्मच हींग। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद में हम इसमें एक थोड़े बड़े साइज का इस तरह से लंबाई में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से और हल्का सा इसे हम ट्रांसलूसेंट होने देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते और रफली कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद में हम जो ये प्याज हैं इनको हल्का सुनहरा कलर आने तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं और बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो प्याज पे बढ़िया कलर आ गया है, तो यहाँ पर मैंने इसमें ये कटे हुए आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और इसके बाद में इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए कि घोल बनाते टाइम भी हमने नमक ऐड किया था, तो नमक कम ही ऐड करें। तो अब हम आलू को हल्का सा क्रिस्प होने तक और थोड़ा सा सुनहरा कलर आने तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो आप देखेंगे कि जो प्याज का कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा और डार्क हो जाएगा और आलू पर भी बढ़िया कलर आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर बढ़िया से आलू और प्याज पक गए हैं, कलर आ गया है इनके ऊपर। तो अब हम इसमें जो हमने घोल बनाकर रखा था वो ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 कप जितना पानी और ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से और गैस की फ्लेम को ना थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इसके बाद में ये जो कढ़ी है इसमें उबाल आने देंगे। जब कढ़ी उबलने लग जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और धीमी आंच पर कढ़ी को अच्छे से लगभग आधे घंटे के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कढ़ी है उसमें बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो कढ़ी में ना बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करने पर भी बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। जैसे जैसे कढ़ी उबलती जाती है ना, वैसे वैसे इसमें कलर आता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ी काफ़ी अच्छे से उबलने लग गई है और धीरे धीरे ये ना गाढ़ी होती जा रही है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे और लगभग 25 से 30 मिनट के लिए हम कढ़ी को पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और मैं बस इसी स्टेज तक इसे पकाऊंगी। आप चाहें तो इसे थोड़ी और देर के लिए पका सकते हैं अगर आपको कढ़ी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी खाना पसंद है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ये 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे।
तो ध्यान रखिए कि जो कढ़ी है ये ठंडी होने के बाद में और ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो यहाँ पर मैं इसे इसी स्टेज पे बंद कर रही हूँ, इसी कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे हम साइड में रख देंगे और इसके बाद में हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। वैसे आप बिना तड़के के भी इस कढ़ी को खा सकते हैं, लेकिन तड़का ऐड करने से इसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तड़का पैन में 3 चम्मच घी ऐड कर दिया है। तो घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी साबुत लाल मिर्च, टुकड़े करके ऐड करेंगे। इसके बाद में हम इसे अच्छे से थोड़ा सा तड़कने देंगे। जब लाल मिर्च अच्छे से तड़क जाए इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/4 छोटी चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच जीरा। राई और जीरे को भी अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम सिर्फ कलर के लिए और थोड़ी सी कढ़ी के ऊपर तरी आ जाए उसके लिए ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वाला लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के को कढ़ी में डाल देंगे और कढ़ी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आलू और प्याज की बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये दिखाई दे रही है, काफी बढ़िया बन के तैयार हुई थी। तो एक बार आप भी इस तरह से आलू और प्याज की कढ़ी बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस पेज पर नए हैं और अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।